दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आप दे संसद मैंबर विधायिका ते नेतावां नाल ऐतवार नूं भाजपा हैडक्वार्टर वालों रोस मार्च किया। वह दोपहर 12 बजे आम आदमी पार्टी आप दे दफ्तर पुजे अते अद्धे घंटे बाद पार्टी आगुआ समेत 800 मीटर दूर भाजपा के मुख दफ्तर वाल मार्च किया। हालांकि यह धरना दोपहर करीब 1:30 बजे बिना किसी वड्डे आगू की गिरफ्तारी तो खत्म हो गया। पुलिस ने कुछ आप समर्थकों को हिरासत में ले लिया जिन्हों कुछ समय बाद छड्ड दिता गया। प्रदर्शन के मद्देनज़र पुलिस ने सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए हुए सन। भाजपा दफ्तर के बाहर धारा 144 लगाई गई सी। इस दे नाल ही प्रवेश अते बाहर जाने वाले रास्तियां ते बैरीकेडिंग की गई सी। 18 मई को अरविंद केजरीवाल ने स्वाती मालीवाल ते हमला करन दे दोषी अपने पीए ऋषभ कुमार की गिरफ्तारी तो बाद एक वीडियो जारी करके भाजपा हैडक्वार्टर ते प्रदर्शन का ऐलान किया सी। उन्हां अज कहा भाजपा ने सानू खत्म करन लई 3 योजनावां बनाईआं हन। पहली, चोणां तो बाद पार्टी दे खाते फ्रिज कीते जाणगे। उन्हां अज कहा भाजपा ने सानू खत्म करन लई 3 योजनावां बनाईआं हन। पहली, चोणां तो बाद पार्टी दे खाते फ्रीज कीते जाणगे। दूसरा, पार्टी दे वड्डे आगूआं नूं गिरफ्तार कीता जाएगा। तीजी, धिर दा दफ्तर खाली कर दिता जाएगा। 2015 से सत्ता में आए हैं, कितने आरोप लगाए इन्होंने, कितने केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। केजरीवाल ने बसों में घोटाला कर दिया, पानी में घोटाला कर दिया, बिजली में घोटाला, पता नहीं कितने आरोप लगाए, कुछ नहीं चिपका। जनता बेवकूफ थोड़ी है, कुछ नहीं चिपका। इन्होंने इतने आरोप लगाए, अब कह रहे हैं सबको गिरफ्तार करके देख लो। आज आप हम सबको गिरफ्तार कर लो, हम कोई डरने वाले नहीं है। मैं जेल में था 50 दिन, उस समय का मैंने पूरा सदुपयोग किया। 2 बार गीता पढ़ी, पूरी गीता, और गीता भी जैसे श्लोक का अर्थ होता है, केवल वो अर्थ नहीं, मैंने वो एक एक श्लोक के 3-3, 4-4 पेज का विस्तृत वर्णन जो है वो डिटेल्ड गीता 2 बार पढ़ी, 1 बार रामायण पढ़ी। देखिए, जिस तरीके से हमें रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक से, जहां भी सीएम साहब जा रहे हैं रोड शो के लिए, सभा के लिए, उससे ज़बरदस्त हमें रिस्पांस मिल रहा है। और इस बार पब्लिक यही कह रही है कि बदलाव 100% होगा, अब 4 जून तक का इंतज़ार करते हैं। थैंक यू। भारतीय जनता, देखो आप अपने स्वयं की बुद्धि का प्रयोग करके देख सकते हो। भारतीय जनता पार्टी 10 साल से काम कर रही है, उनकी सरकार थी, इतने साल से काम कर रही थी, इनकी सरकार थी, इन्होंने क्या काम किए? कोई भी प्रधानमंत्री 10 साल के अपने काम के आधार पर वोट मांगते ना। आप मुझे बता दो, प्रधानमंत्री यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? एक भी जगह प्रधानमंत्री जी अपने काम गिना रहे हैं? एक भी जगह वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने क्या काम किया? उन्हें कोई काम से लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ ये है कि ये लोग जीत रहे हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं, इनको तोड़ना है, इनको जेल में डालना है, इनको ख़त्म करना है। ये गंदी सोच का नतीजा है, गंदी सोच और गंदी राजनीति का नतीजा है। मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी आप सबको गिरफ्तार कर लो एक साथ, आप अपनी जितनी दिल की तसल्ली है वो कर लो, आम आदमी पार्टी टूटने वाली नहीं है। आप जितना दमन करोगे पार्टी उतना ही बढ़ेगी। जी सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्योंकि जेल का जवाब वोट से कैंपेन आगे चल रहा है, तो क्या यही आगे बढ़ेगा या फिर अब थोड़ा स्ट्रेटेजी में बदलाव? ये कैंपेन नहीं है, ये जनता की भावना है, जनता की भावना है, जो जिस तरीके से जेल में डाला है और पार्टी को तोड़ने के षड्यंत्र चल रहे हैं, जनता इसका जवाब वोट से देगी, ये जन भावना है। कितनी सीटें आ रही हैं? जनता तय करेगी। हमारा तो यही था भाई, डेली हर किसी को एक एक दिन करके अरेस्ट करते रहते हैं, तो हमने कहा भाई आ जाइए, अरेस्ट कर लीजिए सबको, ही सारे लोग एक साथ ही आ जाते हैं, अरेस्ट करके ख़त्म करिए इस पूरे मुद्दे को। अब क्या एक दिन आप किसी को अरेस्ट करते हैं, एक दिन आप किसी को अरेस्ट करते हैं, पुलिस भी परेशान रहती है, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर नहीं देख पाती, आप भी परेशान रहते हो, आपको जनता ने काम दिया है काम करो, वो भी नहीं करते, आप हमारे पीछे पड़े। तो हमने कहा भैया एक बार अरेस्ट करके ख़त्म कर दिए इस मामले को, अगर उससे संतुष्टि मिलती है तो बताएंगे, प्लान बताएंगे आपको। हाय, कैसे हो?